नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं द नगरी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो बार बार हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए और हमारी आवाज़ बनने के लिए हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं, सरकार के समक्ष हमारी बात तक पहुँचा रहे हैं। और क्योंकि हमारे धरने को आज 18-19वां दिन है तो सभी को इस बात का पता है कि हम तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के छात्र हैं और यहाँ पर हमारी अधूरी भर्ती को पूरा करवाने के लिए संघर्ष में प्रयासरत हैं। हमारी जो भर्ती 21,000 पदों की, उसमें से लगभग 15,500 पदों पर हमारे सभी साथी ज्वाइन हो चुके हैं पहले आचरसंहिता से पहले, और हम कुछ 3,500-4,000 के आसपास जो बच्चे अभी बकाया बचे हुए हैं वो अब संघर्ष कर रहे हैं अपनी भर्ती को पूर्ण कराने के लिए। और क्योंकि हमें विद्यालय तक आवंटित हो गए और आचरसंहिता से पहले कईयों के तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के कारण हम लोग स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की वजह से या हमारी अदर स्टेट की डिग्रियाँ की वजह से। लेकिन अब सारा का सारा मैटर हमारा क्लियर है, कंप्लीट है, तो क्यों अब हमारे कार्य ग्रहण करवाने में सरकार इतना विलंब कर रही है। मैं हम सभी साथियों की ओर से सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी को जल्दी से जल्दी कार्य ग्रहण करवा करके और उन बच्चों का इंतजार समाप्त करें जो बच्चे हमारे विद्यालय में, छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी के 1 से 5वीं तक के बच्चे जो हमारे विद्यालय में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मास्टर मास्टरनी, हमारे मार साहब मैडम कब विद्यालय में आएंगे और कब हमें आगे भविष्य की शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर संज्ञान ले, अमल करे हमारी बात पर और हम सभी का कार्य ग्रहण करवा करके और हमें मुक्ति प्रदान करे। को सोचना चाहिए कि 18 दिन से हम यहाँ भूख हड़ताल भी किए हमारे साथियों ने कुछ नहीं, तो और उसके बाद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो यहाँ बरसात भी आती है, सर्दी भी पड़ती है, उसके बावजूद कल हमारी पैरवी थी तो पैरवी में हमारा केस लिस्टेड तक नहीं है, तो सरकार की कितनी ही बड़ी लापरवाही चल रही है, जबकि हमारे साथी 21,000 थे जिनमें से 15,000 ज्वाइनिंग कर चुके हैं और 6,000 बचे हुए हैं अभी तक, तो ये पहले आचार संहिता में फंस गए, फिर आचार संहिता लगने वाली है, तो हमको जल्दी से जल्दी सरकार नियुक्ति प्रदान करे और एजी से पैरवी करवा के हमें जल्दी केस को सोल्व करे। सर मेरा नाम भावना है, मैं गंगानगर ज़िले से हूँ और सर हम बहुत दूर से आए हैं और 18 दिन हो गए लगातार धरने पर बैठे हैं और लगभग मतलब हमारे जो साथ वाले थे 15,000 को ज्वाइनिंग दे दी गई है लेकिन 4,000 को नहीं दी गई। हम 18 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, सरकार हमारी कुछ भी मतलब मांग कोई सुन ही नहीं रहा, ना कोई आते हैं, कोई भी उम्मीद नहीं है, तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, ना कोई मतलब वकील है वो हमारी पैरवी नहीं कर रहा, बस मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। सर यहाँ सारी समस्या ही है, इतना खर्चा मतलब खर्चा भी तो लगता है, कितना खर्चा उठा रहे हैं और ऐसे भी नहीं है सभी मतलब आर्थिक स्थिति से इतने भी सभी लगभग सक्षम नहीं है इतने, तो भारी खर्चा भी हो रहा है ऐसे और इतनी ठंड पड़ रही है तो बाहर के सभी परिस्थितियाँ बहुत मतलब ऐसी हालत हो रखी है। 12 जिले से आनंद मेहता। सर हमको यहाँ पे लगभग 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन से हालत ऐसी हो रही है कि ये बच्चे बैठे हैं ना, आप पीछे कैमरे करो, इनमें से आधे बच्चे बीमार हैं। मेरे साथ 10 लड़के आए शाहबाद 12 से, जिसमें 3 लड़के कंट्रोल के गेहूँ बेच के आए, तो सरकार इस मामले पर अपना ध्यान आकर्षित करे कि इन बच्चों का कसूर क्या है। ईमानदारी से मेहनत की, 5 साल मेहनत की, रात दिन करके पढ़ाई की थी और जो हमारे साथ वाले 15,000 वो लग गए और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि जल्दी जल्दी मामले को संज्ञान मिले और हमको स्कूल में पहुंचाए।